बिहार में एक बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पे बिहार में जो है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के तहत जो है यहाँ पे विधिक स्वयं सेवक की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के तहत यहाँ पे विधिक स्वयं सेवक की जो रिक्वायरमेंट आई है इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से फॉर्म अप्लाई की जा रही है, अप्लीकेशन फी क्या होंगी, सिलेबस क्या होंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगी, कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसी तरह की न्यू वैकेंसियों की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं विधिक स्वयं सेवक की जो रिक्वायरमेंट्स है मुजफ्फरपुर में, उसके लिए जो है यहाँ पे इसकी डिटेल्स जानकारी जो है muzaffarpur.bih.nic.in के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2023 जो है जारी की गई है, इसके तहत जो है ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे पारा विधिक स्वयं सेवक की जो है रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो देखिए इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है उसकी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो इसके लिए जो है नियुक्ति नहीं है। अगर यह स्वय स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद जो है ये नहीं है। तो देखिए ऐसे व्यक्ति, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। इनमें शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह के सदस्य, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति अधिवक्ता को छोड़कर जो जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हैं वही आवेदन इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स दी गई है, विज्ञापन संख्या दी गई है। यहाँ पे जो है पारा विधिक स्वयं सेवक को अपने क्षेत्र में जो है विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंधन कार्यालय एवं विधि सहायक केंद्र के विधिक सेवा का कार्य एवं अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सौंपे जाएंगे उसको आपको करना है। यहाँ पे पारा विधिक स्वयं सेवक के लिए जो है 100 पदों की जो है रिक्वायरमेंट्स आई हैं, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए सिंपली मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए और आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए। एज जो कैलकुलेट की जाएंगी 15 जनवरी 2024 के अनुसार कैलकुलेट की जाएंगी और इसके लिए आपको 500 रुपया प्रतिदिन मिलेंगी। तो देखिए जिस दिन आपको काम के लिए बुलाया जाएगा, काम दिया जाएगा, उसी दिन आपको 500 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको काम नहीं अगर मिलता है तो उस दिन आपको पेमेंट नहीं मिलेंगी। तो जिस दिन काम होगा उस दिन आपको 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार आपको मिलेंगी। महीना में अगर 15 दिन आपको काम होता है तो 15 दिन का ही पेमेंट आपको मिलेंगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और तथा मुजफ्फरपुर का निवासी भी होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, समाज सेवा में रुचि रखता हो वो अप्लाई कर पाएंगे। किसी न्यायालय द्वारा दोषित न किया गया हो, उनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो और यहाँ पे जो है आवेदन करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 फरवरी 2024 रखी गई है। आप 15 फरवरी 2024 तक जो है आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म दी गई है उस फॉर्म को फिल करके जो है आपको भेजनी है। भेजना कहाँ है तो देखिए यहाँ पे फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लेंगे, उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मैट्रिक है वो लगा देंगे, अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो इंटरमीडिएट भी लगा देंगे, उसके साथ अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा देंगे, आईडी प्रूफ लगा देंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे, आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगा देना है और जो है उस पे सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जो है 15 फरवरी 2024 तक संध्या 5:30 बजे तक जो है आपको आवेदन कर देना है। आवेदन जो है आप रजिस्ट्री पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से जो है या साधारण डाक से जो है आप भेज सकते हैं या हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई हैं।
आवेदन पत्र के साथ अपना आचरण प्रमाण पत्र भी जो है आपको लगाना है। देखिए, जो आप यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे वो 6 महीना से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड का स्पष्ट छाया प्रति भी, आपको आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी लगाना होगा। आवेदन भेजने का जो पता है वो यहाँ पे दी गई है, सेवा में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय प्रांगण मुजफ्फरपुर, पिन कोड इतना पे आपको भेजनी है। ये डिटेल जो है आपको मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे फॉर्म दिया गया है जिसमें आवेदक का नाम लिखेंगे, जेंडर, जन्म तिथि, यहाँ पे आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करेंगे और इस पे जो है आप साइन करेंगे फोटो और फॉर्म दोनों पे। यहाँ पे पिता पति का नाम डाल देंगे, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डाल देंगे, अन्य योग्यता है तो वो डाल देंगे, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कैटेगरी जो है आपका वो चूज कर लेंगे, अगर कोई अनुभव एक्सपीरियंस है तो वो आप डालेंगे, किसी आपराधिक मामले में आप आरोपित हैं, दोषित हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, जिले के किस प्रखंड में कार्य करना चाहते हैं तो वो प्रखंड आप चूज कर लेंगे, मुजफ्फरपुर के किस प्रखंड में आप काम करने के लिए जो है इच्छुक हैं वो यहाँ पे जी प्रखंड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे तिथि और स्थान यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर कर देनी है। तो इस फॉर्म को जो है आपको जो है प्रिंट आउट कर लेना है और भरना है। तो देखिए, ये भी फॉर्म है, साक्षात्कार पत्र है, इसको भी जो है आपको प्रिंट कर लेना है, इसमें भी आवेदक का जो है पासपोर्ट साइज फोटो जिस पे आप हस्ताक्षर करेंगे, आवेदक का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पिता, स्थायी पता, वर्तमान पता, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार की तिथि जो है वो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, समय, स्थान, उसके बाद जो है आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी प्रोफॉर्मा दिया गया है, साक्षात्कार पत्र, इसको जो है पारा विधिक एवं स्वयं सेवक के चयन हेतु जो है यहाँ पे दी गई है, इस पे भी फोटो चिपकाना है, आवेदक का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पिता, स्थायी पता, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको दे देनी है। तो इस तरह से इस फॉर्म को जो है आपको प्रिंट आउट कर लेना है, फॉर्म को पूरी तरह से भर लेना है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो सारी लगा के जो है आप इस दिए गए पते पे जो है स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से, साधारण डाक से जो है उसको भेज सकते हैं, या हाथों हाथ जो है फॉर्म को जमा भी कार्यालय में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इच्छुक हैं इस पद के लिए, जिसमें आपको जितने दिन आपको काम मिलेगा उसी के अनुसार से ₹500 प्रतिदिन के अनुसार से जो है आपको पेमेंट मिलेंगी, सिंपली मैट्रिक पास लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, 100 पदों की रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके लिए जो है आपको जिले में ही काम मिलेगा, आप जिस प्रखंड के लिए जो है इच्छुक होते हैं आवेदन करने के लिए उस जो है आपको प्रखंड का नाम देना होता है, उस प्रखंड में अगर मिल जाए तो घर का नौकरी है तो आप आसानी से इसके लिए जो है जब भी काम मिले आप कर सकते हैं, और पर डे के अनुसार से ₹500 आपको पेमेंट दी जाएंगी। तो ये थी आज की न्यू नोटिफिकेशन जो हमने इस वीडियो में कवर की है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।